हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आप भी अपने फोन में अपने प्राइवेट फोटो को हाइड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने फोन में फोटोज को कैसे छुपा सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पे अब हम अपने फोन पे हैं और यहाँ पे जो है हम अपने फोन में फोटो को प्राइवेट करना सिखाएंगे। फोटो को जो है हम कैसे हाइड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले अपने गैलरी में जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फोटो यहाँ पे मेरा यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। तो इसे हम प्राइवेट करना चाहते हैं। जो भी आप फोटो प्राइवेट करना चाहते हैं, जो भी हाइड करना चाहते हैं, उसे आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। जैसे ये एक फोटो है, इसे हम सिलेक्ट करते हैं, और ये एक फ़ोटो है, इसे भी मुझे प्राइवेट करना है, इसे भी करना है और इसे भी करना है। तो ये मैंने कुछ फ़ोटो है जिसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसे प्राइवेट करने के लिए आपको नीचे सेट एज प्राइवेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये सारे फ़ोटो जो है वो अब हाइड हो गया है। अब आप इसे कैसे खोज सकते हैं? जैसे अगर आपने पहले इससे पहले कभी भी प्राइवेट नहीं किया होगा तो आपको पासवर्ड भी सेट करने के लिए बोला जाएगा। अब चूंकि मैंने पहले से ही पासवर्ड सेट करके रखा हुआ है तो मुझसे नहीं पूछा गया है। पासवर्ड सेट करने के लिए पूछेगा तो आपको लगा देना है। जो भी आपके जो ऐप लॉक है उसका पासवर्ड जो भी आपने डाला होगा वही पासवर्ड यहाँ पे भी काम करता है। तो अब ये फ़ोटो हम खोजेंगे कहाँ से? अब ये आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा, ना आपके स्टोरेज में दिखाई देगा, ना आपके मेमोरी कार्ड में, कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अब इसे हमें कैसे ओपन करना है? तो यहाँ से हमें काट देना है। अब ये जो फ़ोटो है जो हमने हाइड किया है उसे हमें देखना होगा। तो हमें क्या करना होगा, सेटिंग्स पे जाना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, नीचे आपको प्राइवेसी पे जाना है। चलिए प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं और फिर वहाँ पे नीचे आएंगे यहाँ पे, और प्राइवेट सेफ के नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइवेट सेफ के नाम से दिया है, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट सेफ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड लगाने के लिए बोलेगा, पासवर्ड पूछेगा जो भी आपने सेट किया होगा। तो यहाँ पे हम फिंगरप्रिंट डाल देते हैं अपना, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज का जो ऑप्शन आ रहा है इसमें हमारा सारा फोटो है जो भी हमने हाइड किया है। तो यहीं पे ये फोटो सिर्फ दिखाई देगा और कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अगर हम चाहें तो यहाँ से दोबारा से हम इसे गैलरी में भेज सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे और सेट टू पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोटो जो है पूछेगा कि आप कहाँ रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कैमरा पे इसे डाल देते हैं, देख सकते हैं हो गया। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि और भी हमारे फोटो हैं। तो यहाँ पे हम बैक करते हैं, ये सारे फोटो है। तो एक और फोटो मैं जैसे पब्लिक करना चाहता हूँ तो इस पर हम क्लिक करेंगे और सेट एज पब्लिक आप इसे सेलेक्ट करेंगे, कैमरा, और ये हो गया। तो इस तरह से आप जो है फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपने कोई गाना रखा हुआ है तो यहाँ पे होगा कॉल रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, डॉक्यूमेंट अगर आपने प्राइवेट किया है तो। तो इस तरह से जो है ये आप अपनी फ़ोटो को प्राइवेट कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं।